मैकुलर डिग्रेशन लगभग हर किसी को पता होगा, जो कि जो कोई भी हॉस्पिटल गया होगा आई हॉस्पिटल में, तो उनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी ही होगी मैकुलर डिजेनरेशन। ये क्या होता है, हमारे आँखों में एक पार्ट होता है मैकुला, वहाँ पर कोई टाइप का डिजेनरेशन हुआ तो हो सकता है। ये होने का बहुत सारा केसेस मतलब चांसेस है, जैसे कि एज के वजह से होगा, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, आप हाइपरटेंशन एंड बीपी एंड शुगर की बीमारी हो, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जा रहा है, हार्ट पेशेंट हो, इन सब चीज़ों में आपको हो सकता है। सो इसका सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, हर चीज़ जो स्ट्रेट है वो चीज़ आपको बेंड लगेगा। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत हो, कोई चीज़ को देख रहे हो, लाइट एडेप्टेशन बहुत धीमा हो जाएगा, आप किसी के फेस को देख रहे हो, फेस कवरिंग हो जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, फिर और किसी को देख रहे हो, फिर से देख रहे हो तो दिख रहा है, फिर से गायब हो जा रहा है, ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। एंड आपको ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ब्राइट लाइट से सेंसिटिविटी भी बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है, एंड ब्लरी दिखेगा हर चीज़। इसका प्रिवेंशन क्या है, एज रिलेटेड को कुछ मतलब कर नहीं सकते हैं, इवन फैमिली हिस्ट्री कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ ठीक है, कुछ कुछ है, जैसे कि आप अच्छा खाएं, रेगुलर आई चेकअप करवाते रहें, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट में आप ठीक कर सकते हैं, और अवॉइड करें स्मोकिंग ड्रिंकिंग को, सनग्लासेस पहन के जाएं बाहर जब जी जा रहे हैं, एंड ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल फैट को थोड़ा सा कंट्रोल करें तो वो आपके लिए सही है। अभी उतना ही था, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए, और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके बोलिए, और थैंक यू, मुझे हेल्प कीजिए, मैं अच्छा अच्छा वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए।